नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। ये शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कोटा डीलर को लेकर हुई शिकायत की। तहसील गिरोह क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां कोटा डीलर की शिकायत की और कोटे को हटवाने की मांग भी की है। जिला मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में मौजूद महिलाएं तहसील गिरोह क्षेत्र के ग्राम बमरौली की रहने वाली हैं। यहां के सभी लोग कोटा डीलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। दरअसल बता दें कि इन सभी लोगों ने पहले भी कई बार कोटा डीलर की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। इन लोगों का आरोप है कि कोटा डीलर अपनी मनमानी करते हुए घोटाली करता है और अभद्र भाषा का प्रयोग भी करता है। पहले भी कोटा डीलर कोटा निरस्त कराए जाने की मांग की गई थी और शिकायत भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर से ये सभी महिलाएं एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंची और यहाँ उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कोटा डीलर के खिलाफ शिकायती पत्र जिला अधिकारी को सौंपा है और कोटा को निरस्त कराए जाने की मांग करते हुए शिकायतकर्ताओं ने क्या बताया है, जरा आप ही सुनिए। आज आप लोग सब एकत्रित होकर आए डीएम साहब शिकायत करने, क्या मामला है, किस लिए आए? मामला का है मतलब राशन नहीं पूरा दिए देंगे तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव आ जाए। कितना राशन देते हैं? वो 10 किलो मिलता है, एक घर तौलत वो 8-7 किलो निकलता है। कहाँ का मामला है, कौन डीलर है? भतनगरा का डीलर है, मतलब बमरौली हम लोग रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है डीलर का? घटतौली करता है। कितने लोग आप लोग आए हैं आज एकत्रित होकर? 50-60 लोग आए। तो सभी के साथ ऐसे ही? हाँ, सभी के साथ है। ज्यादा कहो तो धमकी देते हैं, नहर में डाल दो जाके। अच्छा, ले जाओ ले जाओ, बीजेपी भी छोड़ जाओ। सर क्या मामला है, किस मामले को लेकर? मामला है सर हमारे गांव के कोठे का, जिससे हमारे गांव के लोग हैं, गांव के लोग राशन लेने जाते थे मतलब पत्ता में, वहाँ लोगों को पूरा राशन नहीं मिलता था। मतलब जो 9 किलो जो 10 किलो मिलता है तो उसे लगभग 5-6 किलो राशन मिलता था, जिसके बारे में हम लोगों ने गाँव वालों ने शिकायत की थी SDM महोदय से। SDM महोदय ने जाँच की, जाँच करके उचित उन पर कार्रवाई की, जिसके कारण उस पर कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया। तो हमारे कहानी को साहब जाँच करने गए तो कम से कम 100-200 कार्ड धारक उन्होंने शिकायत की, उसके आधार पर उनकी मतलब कोटा निर्मित हुआ। वहाँ जब SDM साहब ने डीलर से जवाब मांगा गया तो जवाब के तौर पर उन्होंने 7 एफिडेविट लगाए, जिसमें वो भी 7 एफिडेविट फर्जी पाए गए। उसमें 5 लोगों ने हमारे पक्ष में बयान दिए, बयान देने के बाद भी और हम लोगों ने वीडियो बनाया उसका था। अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है कि हमारे ये वहाँ के तहसीलदार के इंस्पेक्टर साहब हैं वहाँ के, वो और यहाँ अजय कुमार यादव जी हैं वो भी, और यहाँ DSO साहब ने साठ गांठ करके पैसा लेकर उस कोटे को दोबारा बहाल कर दिया। अब क्या चाहते हैं? ये चाहता है वो कोटा नष्ट हो और हमारे गाँव में जो नई दुकान है।